दोस्तों, स्वागत है आपका पवन मोटर चैनल में। मैं और आपको आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं और आपके पहली या दूसरी किस्त आने के बाद किस्त आना बंद हो गई या एक भी किस्त नहीं आई और आधार स्टेटस में आधार इज नॉट वेरीफाइड लिखा शो हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। 100% आपकी रुकी हुई किस्त आना चालू हो जाएगी। वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखें, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद आपको टाइप करना है pmkisan.gov। सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने pmkisan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगी। इसमें आपको राइट साइड में कई ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको फार्मर कॉर्नर पे जाना है। चलिए पहले मैं आपको किसी बेनिफैक्चर के स्टेटस को दिखा देता हूँ। बेनिफैक्चर स्टेटस को देखने के लिए आपको बेनिफैक्चर स्टेटस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करके गेट डाटा पे क्लिक कर देना है। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद आपके सामने उसका स्टेटस शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट आ चुकी है और यहाँ पे आप आधार स्टेटस देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा आ रहा है आधार स्टेटस, आधार नंबर इज वेरीफाइड। अगर आपके आधार स्टेटस में लिखा आ रहा है आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड तो इस वजह से आपकी किस्त रुकी हुई है। आपको सबसे पहले इसको करेक्शन करना होगा। इसके लिए आपको अलग ऑप्शन के अंदर जाना होगा, वहाँ पर जाके अपने आधार में जो डिटेल्स फिल हैं बिल्कुल वही सेम डिटेल्स फिल कर देनी है, तब जाके आपकी किस्त आना चालू हो जाएगी। और आपको ये एडिट कहाँ पे जाके करना है चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वापस होम पेज पे चला जाना है। होम पेज पे आ जाने के बाद आपको फिर से फार्मर पोर्टल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है और कैप्चर फिल कर देना है और उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आ गया जिस पर लिखा आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन और इट हैज करेक्टेड। इसका मतलब ये है कि मेरे पहले से ही आधार नंबर इज वेरीफाइड है। आपने देखा था उसमें स्टेटस में मैंने आपको दिखाया था, उस पर लिखा आ रहा है आधार नंबर इज वेरीफाइड। अगर आपके स्टेटस पर लिखा आ रहा है आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, उसमें आपको अपने आधार में जो नेम लिखा है वो सेम नेम लिख देना है और मोबाइल नंबर लिख के उसे अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके एक दो दिन बाद आपका आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड जहाँ पे लिखा आ रहा है वहाँ पे आधार नंबर इज वेरीफाइड लिखा आ जाएगा और आपकी किस्त आना चालू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।